कांग्रेस कोर्मुत अनाउंस लिस्ट मे तुह ना तुहमत तुम कोर डी पी ए त्रोव तुम डी ए पी त्रोव तुम सो विच पार्टी यू आर विद एट द मोमेंट बड़े बड़े दावे किए गए कांग्रेस की तरफ से कि हमारे पास डीएपी से बड़े लोग डीएपी छोड़ के आ गए और बड़ा झटका लगा डीएपी को। एक बात और मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा अपने सीनियर साथियों की कंसर्न से, वो ये कि जो लिस्ट उन्होंने जारी की है वो डीएपी के लोग नहीं थे, वो सारे कांग्रेसी थे जितने भी अगर कुछ थे। अब कांग्रेस वाले खुद ही कांग्रेस में दोबारा ज्वाइन करा रहे हैं, मालाएं डाल रहे हैं लोगों को ये दिखाने के लिए, और टीएपी को बड़ा झटका लगा और बड़ा झटका लगा। देखो इतने लोग आए हैं, मुझे खुदा रहा उनकी लिस्ट बताएं और फिर उनसे पूछें कि उनकी मेंबरशिप फॉर्म डीएपी में कहाँ है। अगर होगा भी कोई तो वो डीएपी का उसका मेंबरशिप रद्द हुआ होगा, क्योंकि बहुत से फॉर्म जो हज़ारों में आए थे कुछ 100 फॉर्म रिजेक्ट हो गए, उनमें वो भी होंगे। अब उठा के किसी को भी आप माला पहना दो, कहो ये डीएपी का ये था, डीएपी के मेंबर था, उसने ज्वाइन कर लिया, सब झूठ है और झूठ के पांव नहीं होते। एक और मुझे हंसी इस बात पे आती है कि जिन साहब को ये कहते हैं कि वो डीएपी के सीनियर मेंबर थे और उन्होंने डीएपी को झटका लगा कि अब हमारे पास आ गए बुजुर्ग आदमी, मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन लघु बयानी किस बयानी झूठ इतना। और उनको उन्होंने कहा कि वो साबिका मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोशल वेलफेयर रहे हैं। अरे भाई कब रहे हैं, ये हमारी समझ से बालातर है। वो कभी एक इलेक्शन भी नहीं किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जीत सके हैं, कई बार जमानतें जब्त हो चुकी हैं, और अब की बार लिखते हैं कि वो फॉर्मर एमओएस सोशल वेलफेयर रहे हैं। मैं अपने देखने वालों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो एक बात ज़रा गौर से सुने। इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ बैठे हैं डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के जोनल प्रेसिडेंट गुलजार अहमद वानी साहब, जो साबिक एमएलए भी हैं, तुफैल साहब, खालिद तुफैल साहब, मोहम्मद सईद शाह साहब, उबैर मुश्ताक साहब और यूसुफ सुल्तान साहब, ये सब डीएपी के लीडर्स हैं और मैं चेयरमैन साहब का सेक्रेटरी हूँ। कल आपने सुना होगा कि बहुत ही बड़े बड़े दावे किए गए कांग्रेस की तरफ से कि हमारे पास डीएपी से बड़े लोग डीएपी छोड़ के आ गए और बड़ा झटका लगा डीएपी को। झटका क्या लगा कि जिसमें कुछ दम ही नहीं है। और झटका क्या होता है, मिसाल के तौर पे हमारे पास जो कुछ यहाँ पे जिनको फाउंडर मेंबर्स अपने आप को कह रहे थे, उनकी मेंबरशिप ही यहाँ पे रजिस्टर नहीं हुई थी, वो मेंबर थे ही नहीं, वो फाउंडर मेंबर्स में अपने आप को शामिल करते नहीं थे। और वो चले गए, ठीक है चले गए, उनकी अपनी मर्जी, हर एक की अपनी मर्जी है कि वो किसी भी सियासी पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन एक जो उन्होंने लिस्ट जारी की, उस लिस्ट में कुछ नाम ऐसे हैं जो हमसे फ़ोन पे बात हुई उनकी कि हमारा नाम कैसे आ गया लिस्ट में, कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया, बड़ा झटका लगा डीएपी को। उसमें मैं मिसाल के तौर पर एक सुबोध मुक्कू साहब हैं जो डीएपी के सीनियर मेंबर हैं, और उन्होंने जब फोन पे बताया, ये देखिए मैं कांग्रेस अनाउंस लिस्ट मे तुह ना तुहमत तुम कोर डी पी ए त्रोव तुम डी ए पी त्रोव तुम तुम कोर ज्वाइन कांग्रेस नथिंग ये सबूत है कि वो आज भी हमारी पार्टी के सीनियर मेंबर हैं। और इस तरह से लोगों को गुमराह करना और इस तरह से गुमराह कुन बयान देना, तो मुझे लगता है ये अच्छी सियासत नहीं है। आते हैं सियासी पार्टी में, लोग आते हैं चले जाते हैं, एक आज इस पार्टी में कल दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, लेकिन इस तरह से घुमा फिरा के कहना कि बस झटका लगा ये सब। और दूसरी बात ये, हमारे यहाँ एक जो क्लास 4 था, जो कैजुअल हमने उसको रखा था यहाँ पे बिल्डिंग की देखरेख के लिए और यहाँ पर समझ लीजिए केयर टेकर,
उसको भी ज्वाइन कराया वहां उन्होंने, और कहा कि बड़ा झटका लगा, अरे एक केयर टेकर जो यहां से निकल गया, जो पार्टी का मेंबर नहीं था, फाउंडर मेंबर नहीं था, ऑर्डिनरी मेंबर नहीं था, चपरासी था यहाँ पे, वो निकल गया, उसको भी ज्वाइन करा के मालाएं पहना दी, वो गमछा पहना दिया और हो गया वो डीएपी को झटका। ये कैसी बचकाने हरकतें हैं। जहाँ तक कि ये जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही है, कहीं कोई उधर से आता है, कोई इधर से जाता है, हमारे पास एक डायनेमिक लीडरशिप है। गुलाम नबी आज़ाद साहब जी वो हमारे मोस्ट रेवर्ड एंड रेस्पेक्टेड लीडर हैं, और उनकी लीडरशिप में जो नई जमात हमारी सामने आई है, पूरे जम्मू और कश्मीर में शद मद के साथ हमारा काम जारी है। किसी के आने से या किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ गुलाम नबी आज़ाद, डीएपी इज़ यूनाइटेड हियर इन जम्मू एंड कश्मीर, और इसमें जो भी पार्टीज या जो भी लोग इसमें कुछ वो खलल इसकी एक्सरसाइज में, इसके मतलब एक्टिविटीज़ में खलल थ्रू दियर, मतलब जो उनकी गलत बयानी होती है इसमें रखना, पैदा करना चाहते हैं हमारी एक्टिविटीज़ में, तो वो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। डीएपी मजबूत है, और मजबूती के साथ आगे गुलाम नबी आज़ाद साहब की रहनुमाई में हम इंशाल्लाह इस जम्मू कश्मीर को आगे ले जाएंगे तरक्की, अमन और खुशहाली की तरफ। ओके जी, आप ये कांग्रेसी जो इस वक्त टैक्टिक्स शुरू की हैं इन्होंने, ये दिस इज़ मोस्ट अनएथिकल, क्योंकि ये सड़क से लोगों को लाते हैं, ये डीएपी से निकले, हम डीएपी से कोई नहीं निकला ऐसे। हाँ, अब निकलते हैं तो ये ठीक ही अच्छी बात है, क्योंकि खास कम जहाँ पाक, तो हम इस तरह से फिल्टर कर रहे हैं अपनी पार्टी को और आगे मजबूत कर रहे हैं। थैंक यू।